हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद अद्रित। आज मैं हूँ उत्तराखंड के रानीखेत में। अपना समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ, जब हम वेकेशन में कहीं घूमने जाते हैं, बस तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो वेदर, एक रहने की जगह और एक खाना। वेदर का तो पता नहीं, अगर अच्छा वेदर हो तो फिर हम अच्छे से घूम सकते हैं, लेकिन अगर बारिश या फिर खराब वेदर हो तो फिर बारी आता है रहना और खाना। ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं रानीखेत में जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ उसका नाम है दुर्गेश हिलॉक रिजॉर्ट। ये एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके रूम्स जहाँ पे मैं स्टे करता हूँ। पहले शूज तो उतारना पड़ेगा ना। चलो लाइट्स ऑन कर देता हूँ तो और भी अच्छा लगेगा। जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। क्यों, कैसा लग रहा है? मन कर रहा है ना रहने के लिए? मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब मैंने इस पूरे रूम की फोटो गूगल पे देखी थी। अब बालकनी देखते हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अभी तो अंधेरा है फिलहाल, लेकिन दिन में तो मस्त दिखता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम हियर। आप हो नीचे और मैं हूँ ऊपर। ये चलिए, अब डिनर का टाइम भी हो गया है और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। और अभी खाना आ जाएगा। इस रिजॉर्ट के ओनर जो अंकल आंटी है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है।
इट्स वेरी टेस्टी। और ये रहा मॉर्निंग व्यू, है ना अमेजिंग। ये रिजॉर्ट एक हिल पे है। इस रिजॉर्ट का नीचे से ऊपर वॉकिंग डिस्टेंस है 50 meters। हम ऊपर है इसलिए ये जो पूरा व्यू है बहुत मस्त आता है। यही पे एंड करते हैं आज का व्लॉग। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।